अगर हम आज की न्यूज की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चय किया है कि जितनी भी याचिका सीएए 2019 के कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं, इन सब की सुनवाई वह 19 मार्च 2024 को करेगा और साथ ही साथ वो ये डिसाइड करेगा कि इस कानून के ऊपर करना क्या है। और यह कानून अभी अभी भारत सरकार ने इसको हाल में ही इंप्लीमेंट किया है। और एक नई डेवलपमेंट आई है कि अमेरिका ने भी इस कानून के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है वो भी इस कानून पर अपना नजर गड़ाए हुए हैं। अब भारत के कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, ऐसे कुछ दबाव समूह हैं और ऐसी जो विदेशी सरकारें हैं जो कि दूसरी सरकारों के देश के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं, ये देना बिल्कुल गलत है। हम तो किसी को शिक्षा नहीं दे रहे, ये हमारा आंतरिक कानून है और इस कानून से किसी की नागरिकता जा नहीं रही है बल्कि मिल रही है। मिल किसको रही है? जो 3 इस्लामिक देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहां से जो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये अगर भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और वहां के मुसलमानों को इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी इस्लामिक देश है। अब इसमें तो कोई विदेशी तत्व का तो हाथ आना तो बिल्कुल सही नहीं है और ना तो यहाँ के लोगों को इसका विरोध करना समझ में आता है। साथ ही साथ जो दूसरी खबर आई है कि झारखंड का एक जगह है का नाम पाकुड़ है, जहां पर रोहिंग्या मुसलमान जो कि म्यांमार से आए हुए हैं, वहां पर चोरी छिपे आते हैं, वहां पर वो मदरसों में कुछ समय तक रहते हैं, फिर उनकी फर्जी आईडी बन जाती है, फिर उस फर्जी आईडी से उनकी असली आईडी बन जाती है, फिर वो जो है सामान्य तरीके से रहने लगते हैं। ऐसा एक जगह पर प्रकाश में आया है। अगर इस पर गौर किया जाए तो भारत में ऐसी बहुत सी जगह पर होगी जहां इस तरह का काम चल रहा होगा। इसके साथ ही साथ फिलिस्तीन में नई सरकार का गठन हुआ है, वहां पर जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोहम्मद मुस्तफा, और ऐसी आशा की जा रही है अब शायद शांति होगी। लेकिन शांति कैसे हो पाएगी? बीच में इजराइल है, इजराइल के एक साइड में वेस्ट बैंक है और एक साइड में गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक में ये सरकार चलती है पैलेस्टीन अथॉरिटी की, पीए की, यहां का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन गाजा पट्टी में तो सरकार हमास की है, हमास एक आतंकवादी संगठन है, और गाजा का जो एरिया है गाजा पट्टी का वह केवल 41 किलोमीटर का है, और साथ ही साथ सारी आतंकवादी गतिविधियां वहीं से चलती हैं। तो अब वहां पर शांति कैसे हो पाएगी, जब देखते हैं कि इनके इलेक्शन होने के बाद क्या होता है। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बुरी तरह से लताड़ लगाई है और कहा है कि स्टेट बैंक जो है डेटा तो दिया है, डिटेल डाटा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, लेकिन वह अभी रियलिटी के नजदीक नहीं है। मतलब इसके पीछे और भी सच्चाई है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ने दिया है और कितने उसको रिडीम यानी कि इनकैश कराए गए हैं, इस पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरबीआई को लताड़ लगाई हुई है। और साथ ही साथ आज भारत सरकार ने जो है ईवी वाली, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाली जो कंपनियां हैं, टेस्ला टाइप की, टेस्ला जैसी जो कंपनियां हैं, उनको राहत देने की बात कही है। और साथ ही साथ ये कहा है कि उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज जो है कम कर दी जाएंगी भारत में, लेकिन उन्हें भारत में $500 मिलियन का जो है निवेश करना पड़ेगा और इसके अलावा 3 साल के अंदर उन्हें यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इस्टेब्लिश करना पड़ेगा।